Hare Krishna. So the second verse which describes Krishna, wherein Krishna is really glorifying the simple essence of the importance of following duty. The 32nd shloka today we have. Yadrichhaya chopapannam suvargadwaram apavritam sukhinah kshatriyah partha labhante yuddhamidrisham. So yesterday, as we had seen, that a kshatriya, simply if he dies on the battlefield, whichever way, however way, he will go to sun planet. So Krishna is saying, Are sukhinah kshatriyah partha, Are blessed are those kshatriyas, labhante yuddhamidrisham, aisa yuddh jisko milta hai. Kshatriya ka, it is like, आजकल के जिस प्रकार से साइंटिस्ट का दिली तमन्ना है उसे नोबेल प्राइज मिले, वैसे ही क्षत्रियों की दिली तमन्ना है, अरे मैं शरीर छोड़ू तो कहां छोड़ू, मैं युद्ध भूमि में शरीर छोड़ू. आप सोचेंगे ऐसे कैसे? ये ऐसे कि उस समय के क्षत्रियों को आज हम यहां पर बैठ के कल्पना नहीं कर सकते. So it takes one to know one. In Kali Yuga, practically we are reduced to the quality of Shudras, wherein simply we are just living. आप देखिए क्षत्रियों का प्रिंसिपल, क्षत्रिय कभी भी जब लड़ेगा तब वो छाती पर वार लेगा, पीठ पर कोई वार नहीं लेगा. क्षत्रिय कितना ब्यूटिफुल है, क्षत्रिय उतना ब्यूटीफुल है जितना उसकी छाती और उसके मुख पर वार हैं. जैसे एक मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड अपने शरीर को दर्शाती है, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर बॉडी, टेक्स केयर ऑफ हर बॉडी, शोज प्राइड इन हर बॉडी, उसी प्रकार से क्षत्रिय, ही इज वेरी हैप्पी, ही फ्लॉन्ट्स ऑल ऑफ द कट्स ऑन हिज बॉडी. देखो इतने युद्ध किए हैं, इतने वार खाए हैं, यह गर्व की बात है क्षत्रिय के लिए. सो कृष्णा सेज, अरे इट इज सो नाइस, यू आर गेटिंग अ चांस टू फाइट अ बैटल, इससे ज्यादा और क्या चाहिए. सो वी सी द क्षत्रियस धर्म इज अगेन इन अ डिफरेंट धर्म ग्रंथ, इट इज मेंशन. क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन शास्त्र प्राणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षिति धर्मेण पालयेत. इट सेज क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन, क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रजा रक्षण, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी रक्षा करना. शास्त्र पाणी, पाणी अर्थात हाथ, हाथों में जिसके शस्त्र हैं, किसके लिए? प्रदंडयन, प्रत्यक्ष रूपेण दंड देने के लिए जिसके हाथ में शस्त्र हैं वो क्षत्रिय है. कैसे उसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना होगा? निर्जित्य पर सैन्यादि, अपने शत्रुओं के सैन्य पर विजय पाने के लिए निर्जित्य, एक्चुअली उनके ऊपर विजय पाके. हाउ टू किल? यस, क्षत्रियों में ड्रॉ का प्रिंसिपल नहीं है, ईदर यू लिव और आई लिव, एंड वन हु डज नॉट लिव ही डाइज, सिंपल. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हम लड़ेंगे 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 वापस आ जाएंगे, नहीं, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक मरता नहीं है. दैट इज क्षत्रिय प्रिंसिपल, बहुत जबरदस्त है. बट देन दे लीव दिस बॉडी, लेकिन उसके लिए उनको कोई टेंशन नहीं है. ये हम आज भी रिलेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इतने सारे, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या क्या सहन नहीं किया केवल देश को आजादी दिलाने के लिए. व्हाट नॉट दे वेंट थ्रू, किस किस चीज पर उन्होंने अपना मोह त्याग कर दिया केवल देश को आजादी दिलाने के लिए, सब कुछ ने उछावर कर दिया. तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जब एक जुनून है, एक जोश है, एक उत्साह है, देयर इज वन डेस्टिनेशन, एक चीज को पाना है,
उसके लिए सब कुछ त्याग कर देना, ये तो क्षत्रिय की निशानी है। सो कृष्णा सेज, माय डियर अर्जुना, इन दिस पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट यू आर फॉरगेटिंग योर क्षत्रिय धर्म। हम देखते हैं परशुराम जी ने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। जब उन्होंने देखा कि क्षत्रिय जो हैं वह धर्म के अनुसार पालन नहीं कर रहे, सो जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं उनको दंड देना, यह क्षत्रिय का कार्य है। तो परशुराम जी ने त्रिसप्तधि 21 बार, त्रिसप्त 3 × 7 21 टाइम्स संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। तो क्वेश्चन आता है कि आज भी क्षत्रिय कैसे हैं फिर? परशुराम जी का एक व्रत था, मैं जहां पर भी जाऊंगा वहां पर अगर कोई राजा शादी कर रहा होगा, शादी के मंडप में बैठा होगा, तो उसके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दशरथ महाराज जब भी उन्हें पता चलता कि परशुराम जी आ रहे हैं, एक शादी रचा लेते। इस तरीके से दशरथ महाराज की 353 पत्नियां थी, 353 वाइव्स, ऑफ विच वी नो ओनली 3, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। लेकिन ये बाकी के 350 कहां से आई है? 350 बार परशुराम जी अयोध्या पर आए आक्रमण करने के लिए, दशरथ महाराज से हाथ साफ करने के लिए। लेकिन जैसे ही परशुराम जी आते, दशरथ महाराज उन्हें शादी के मंडप में ही दिखते। तो दिस इज हाउ दोज हु फाउंड आउट लीवेज दे सर्वाइव्ड, एंड क्षत्रियज आर देयर इवन टुडे। सो क्षत्रिय अगर गड़बड़ करे उसका विनाश करना होगा। उसी प्रकार से चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में देखते हैं, जब वेण के अत्याचार से पृथ्वी ने धन धान्य खनिज रत्न इत्यादि देना बंद कर दिया था, तो जब वेण के शरीर का मार्जन करके पृथु महाराज आए, तो पृथु महाराज जैसे ही आए सारे देवतागण समझ गए कि ये भगवान का अवतार है, एंड दे ग्लोरिफाइड पृथु महाराज, एंड पृथु महाराज वॉज रूलिंग द एंटायर प्लैनेट, बट प्लैनेट अर्थ वुड नॉट गिव प्रोड्यूस, इवन दो देयर वर यज्ञस बीइंग कंडक्टेड, इवन दो एवरीवन वाज फॉलोइंग धर्म। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पृथु महाराज गॉट सो एंग्री, ही स्टार्टेड चेजिंग भूमि देवी टू पनिश हर। भूमि देवी को तक नहीं छोड़ा, भूमि देवी गाय का रूप लेके भाग रही है, पृथु महाराज पीछे भाग रहे हैं कि अरे अब अगर जब यज्ञ हो रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे विधियां की जा रही हैं, ओ भूमि देवी हाउ डेयर यू होल्ड योर प्रोड्यूस, आप लोगों को खाने पीने के लिए अन्न धान्य जवाहरात रत्न क्यों नहीं दे रहे? सो पृथु महाराज बिकेम वेरी एंग्री ऑन भूमि देवी ऑल्सो। दिस इज द प्रिंसिपल। हालांकि भूमि देवी इज वन अमंग्स द मदर्स, सात माताओं में भूमि देवी है, बट देन हूएवर डज नॉट फॉलो धर्मा मस्ट बी पनिश्ड, दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल। हियर दुर्योधना इज नॉट फॉलोइंग धर्मा बिकॉज ही इज नॉट अलाउविंग अर्जुना टू प्रैक्टिस हिज धर्मा, दैट्स हिज फैलेसी। सो कृष्णा सेज, माय डियर अर्जुना, यू मस्ट फाइट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Krishna, 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 Krishna.